आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। बोनाल त्यौहार का रिवायती तौर पर आगाज, वज़ीरे आला और रियासती वुज़रा की खुसूसी पूजा में शिरकत। तेलंगाना के अजला और दोनों शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मजलिसी अराकीन असेंबली मुतालिका हलकों में अवामी फलाह और बहबूद के कामों में मसरूफ। बीजेपी कायदीन के नफरत व तासुब पर मुबनी मुसलसिल बयानात की यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने की मजम्मत। मूसा नदी की खूबसूरती के लिए मख्तस बजट में गैर मामूली इजाफे पर केटीआर ने खड़े किए सवाल। नागरिक खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सिकंदराबाद महाकाली जात्रा और बोनाल त्यौहार का आज सिकंदराबाद में नहायती जोश व खरोश के साथ आगाज हुआ। वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, सीता का सदनशीन, तेलंगाना स्टेट वुमेंस कमीशन एन शारदा, तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने बोनाल त्यौहार में हिस्सा लेते हुए खुसूसी पूजा में शिरकत की। दूसरी जानिब हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने भी शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। पुलिस की जानिब से 1500 पुलिस मुलाजमीन महाकाली मंदिर के अतराफ व अकनाफ अमन अमान की बरकरारी के लिए मुतयन थे। इसके अलावा सीसी कैमरे से नज़र रखने के अलावा शी टीमें भी मुसलसिल गश्त कर रही हैं। महकमे आरटीसी की जानिब से 175 खसूसी बसें चलाते हुए आवाम को आमोदरफ्त की सहूलत फराहम की गई है। वज़ीर इत्तिलात और ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत इंद्रम्मा राज पर कायम रहते हुए गरीब और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की और उनकी फलाह और बहबूद के लिए काम करेगी और असेंबली इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसान दोस्त हुकूमत है। वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी ने किसानों से किए गए वादे को पूरा करते हुए किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जजात माफ़ करने का आगाज़ किया और मुल्क और रियासत की आवाम को वाज़े कर दिया कि कांग्रेस जो कहती है वो कर दिखाती है। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़े किया कि जिस तरह वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी ने 6 जमातों को रूबे में लाया है, इसी तरह कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को भी रूबे में लाएगी। आनाटी पीसीसी अध्यक्षुलु रेवंत रेड्डी गारु चेप्पिन प्रति माटनी तूचा तप्पकुंडा आर्थिकंगा ई राष्ट्रम अनेक इब्बंदुल्लो उन्न गत प्रभुत्वं ई राष्ट्र प्रभुत्वं मीद 7 लक्षल कोट्ल अप्पुनि नेत्तिन पेट्टि आ प्रभुत्वं पोयिना अभिवृद्धिनि संक्षेमान्नि रेंडु कल्लला चूस्तू ఎక్కడ ఇచ్చిన మాటని తప్పకుండా
మాట తప్పని మడిమ తెప్పని ప్రభుత్వం అంటూ ఉంటే అది ఇందరమ్మ ప్రభుత్వమే అనే విధంగా ఈనాడు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు నిన్న లేదు మొన్ననే దేశ చరిత్రలో కని విని ఎరగని రీతిలో 31,000 కోట్ల రూపాయలని రైతన్నల రుణమాఫీ చేసిన ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి అన్న ప్రభుత్వం మీ అందరి कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने जिले भुवनगिरि में मुनक़िदा बोनाल तकरीब में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने अंदरून 6 माह किसानों से किए गए वादे को पूरा करते हुए किसानों के खर्जेजात माफ़ करने का आगाज कर दिया है। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर कोमट वेंकट रेड्डी और कांग्रेस रुकन असम्बली कोमट राजगोपाल रेड्डी की क़यादत में ज़िले भुवनगिरि की तरक्की और इस ज़िले को रियासत का मिसाली ज़िला बनाने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वो कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में तेलंगाना के कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट के हमरा तेलंगाना को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। అలాగే రాష్ట్రంలో వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం 6 నెలల్లో ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తూ ముందుకు పోతుంది. ఈరోజు అమ్మవారిని ఆశీర్వాదం తీసుకుంటూ అమ్మవారికి ఒకటే కోరుకోవడం జరిగింది. రానున్న 5 సంవత్సరాలు తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమ ప్రభుత్వంగా ముందుకు సాగుతూ ఇక్కడ మా అన్న రాజగోపాల్ రెడ్డి అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్న सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली हलके कारवान कौसर महीउद्दीन ने एसएस फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में 79 मुस्तहकीन को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। जुमला 28,44,000 के चेक्स तकसीम किए गए। इस तकसीम के दौरान मजलिसी रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन के हमरा मजलिस पार्टी के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के सुदूर इब्तदाई और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मलकपेट हलके के तहत मंजूरा CMRF चेक्स की तकसीम मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बदाला के हाथों पंजेशा में वाक़े कैंप ऑफिस में तकसीम किए गए। जुमला 17 चेक्स जुमला मालियती 9,67,000 रुपये तकसीम किए गए। इस्तीफादा कुनंगान का ताल्लुक फरहत नगर कालाडेरा कॉलोनी चंचलगोड़ा आजमपुरा वहीद नगर अफजल नगर ओल्ड मलकपेट मूसाराम बाग सईदाबाद अकबर बाग पल्टन बाग जहाँरा से था। इस मौके पर सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के कई अजला और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश रिकॉर्ड की गई और कई इलाकों में पानी भी जमा देखा गया। GHMC की जानिब से मानसून वर्क टीमों को तैयार रखा गया था, जबकि कई इलाकों में पानी जमा होने के सिलसिले में भी GHMC को शिकायतें मौसूल हुई।
बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने मूसा नदी की खूबसूरती के मंसूबे की लागत में ड्रामाई इजाफे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर 50,000 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था, बाद में इस प्रोजेक्ट की लागत को 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया और अब ये 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। साबिक वजीर ने दावा किया कि साबिका बीआरएस हुकूमत ने पहले ही 3,866 करोड़ रुपए की लागत से 100% सीवरेज ट्रीटमेंट मुकम्मल कर लिया था और 16,634 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से मूसा नदी की बहाली, खूबसूरती और तरक्की का मंसूबा बनाया गया था। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पालमो रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के मुकाबले में मौसी प्रोजेक्ट के लिए तरजीह पर सवाल उठाया जो अपने आखिरी मराहल में है। उन्होंने मूसा नदी को लंदन के टेम्स जैसे दरिया में तब्दील करने के पीछे की हिकमत अमली के बारे में भी तशवीश का इजहार किया और आबपाशी के दीगर मंसूबों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद के दौरान मुल्क की अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों पर हो रहे मजालिम समाज को बांटने की ताज़ा कोशिशों, बीजेपी क़ायदीन ने नफरत और तासुब पर मबनी मुसलसिल बयानात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिद्दीन फहीम सदर के अलावा दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि पार्लियामेंट के हालिया इंतखाबात में बाद में ये उम्मीद की जा रही थी कि गुज़िश्ता 10 बरस की तरह मुसलमानों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है शायद इसका अब इरादा ना हो, लेकिन चंद सेकुलर सियासी जमातों की मदद से चलने वाली बीजेपी की हुकूमत ने अपने इख्तदार के एक माह के अंदर अपने पिछले 10 साला दौर को न सिर्फ दोहराना शुरू किया है बल्कि इसमें मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी गई है। आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में मुसलमानों के मुआशी बायकाट का अमल सरकारी सतह पर शुरू कर दिया गया है। कानवड़िया यात्रा के तवील रास्तों पर तमाम दुकानात बल्कि ठेला बंडियों पर सामान फरोख्त करने वालों पर मजहब की शिनाख्त के साथ नाम लिखने का सरकारी हुक्म जारी किया गया है। पच्चीस साल जश्न तासीस कुलतुल्बनैन जामतुल मोमिनात का इजलास से अव्वल कुलहिन पैगाम शरीयत कॉन्फ्रेंस उर्दू मस्कन खिलवत में शायन शान तरीक़े पर मुनक़िद हुआ जिसमें अलामा दरवेश मुहिउद्दीन मुर्तज़ा पाशा खादी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज प्रोफेसर ख़मरुन्निसा प्रोफेसर अशरफुन्निसा प्रोफेसर सिराजुर्रहमान हाफिज़ मुजफ़र हुसैन ख़ाबंदा नवाजी प्रोफेसर अब्दुल मजीद निज़ामी मुफ्तिया डॉक्टर रिजवाना जरीन डॉक्टर मुफ्तिया नाजिमा अज़ीज़ और डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद साबिर पाशा और दीगर सरकर्दा उल्मा मशाखीन ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ा ख़मरुन्निसा बेगम की तकमील हिफ्ज़े क़ुरान की खुशी में जामतुल मुमिनात की जानिब से खिलत व तहनीत पेश की गई। जान देकर हश्र तक गूंजेगी तेरे खुश्क होतम की अज़ा। अज़ीज़ा निगरामी मोहतरम मुअल्लिमात सामईन इकराम, मुसलमान बाजार में जाता हो या घर में रहता हो, अल्लज़ीना यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़, बिस्तर पर लेटता है, बिस्तर पर लिहाफ़ पर, बाजू अपने साथ है, अपनी बीवी है, बच्चे हैं, रब्बुल आलमीन को जब याद करता है, सबको पार करता है, दो रकात नमाज नफिल के लिए मुसल्ला बिछाकर रात के अंधेरे में जब रब्बुल आलमीन को पुकारता है, रब्बुल आलमीन
ایک ایک بندے پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے میرے جلال و کبریائی کی قسم میری محبت نے میرے بندے کو میرے سامنے سر نگو کیا ہے, میرے جلال کی قسم میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. درخواست کرتی ہوں کہ ہم تمام کو نصیحت فرمائیں. میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتی ہوں. عزائم میں سمو دو اپنی فرصت نہیں ہے. اور اگر فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ میں مل صاحب کو رکھ لیجیے پڑھا لیے, بچہ تھک کے آتا ہے کہاں سے پڑھے گا یہی سوچتے ہیں. اور اس کے علاوہ برا نہیں مانے تو ایک بات کہتا ہوں, لاکھوں روپے تو ہم دنیائی تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہیں, عربی کے لیے مل صاحب آتے ہیں تو 500 اور 1000 روپے ان کا ہدیہ دیا جاتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اگر یہی کہتے ہیں مول صاحب کہ بیٹا ممی کو سلام کہیے, امی کو سلام کہیے, اور یہ پیسے بس نہیں ہو رہے پیٹرول کے لیے بھی, تو اندر سے میری بہن اور ماں یہ آواز دیتی ہے کہ مول صاحب کل سے آنا ہے تو آئیے ورنہ مت آئیے. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے سے برائی بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم مقام آخر کی جان کبھی بھی کبھی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي علیه. ریاست تلنگانہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. ماہرین نے کہا ہے کہ مزید 18 گھنٹوں تک راحت کا کوئی امکان نہیں ہے. دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کی حدود میں بھی کل شب وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی. آج صبح بھی آسمان گھنے بادلوں سے گھرا رہا. ماہرین نے عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے. دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں جمعے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. کچھ اضلاع میں یکا دکا مقامات پر شدید اور موسلادھار بارش بھی ہوئی اور ہفتے کے دن بھی بارش کا سلسلہ لگاتار جاری رہا. محکمہ موسمیات نے ریاست کے مختلف اضلاع اور حیدرآباد نے مزید بارش کی پیش قیاسی کی اور کہا ہے کہ اتوار کو بھی بارش ہو سکتی ہے. تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں رات بھر شدید بارش کا سلسلہ جاری رہا اور صبح میں بھی بارش جاری رہی. تلنگانہ ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق ملک ضلع کے وینٹام پورم میں 109 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے, جبکہ پیدپلی کے اضلاع کے کچھ مقامات کے لیے شدید بارش کے امکان کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 18 گھنٹوں کے دوران ان علاقوں میں بارش سے راحت کا کوئی امکان نہیں ہے اور عوام کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. حیدرآباد کے تمام علاقوں میں جمعے کی رات سے ہفتے کی صبح تک بھی لگاتار بارش جاری رہی. حالانکہ بارش موسلا دھار نہیں تھی, رات بھر اس کا سلسلہ جاری رہا. حیدرآباد کے لیے محکمہ موسمیات کی جانب سے زرد الرٹ جاری کیا گیا ہے. قیاس کیا جا رہا ہے کہ مزید اوسط بارش ہو سکتی ہے اور اکا دکا مقام پر شدید بارش بھی ہو سکتی ہے, تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں. ماہرین موسمیات نے واضح کیا ہے کہ موسم ابر آلود رہے گا اور رات دیر گئے تک بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. محکمہ موسمیات نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ بارش کے پیش نظر احتیاط برتی ہے, انتہائی ضرورت پر گھروں سے نکلے اور موسم کی جانکاری سے واقفیت حاصل کرتے رہیں. عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے مقامات اور نشیبی علاقوں میں جانے سے بھی گریز کریں. ویڈیو ریلز بنانے کی خواہش نے ایک مرتبہ پھر ایک نوجوان کی جان لے لی, جبکہ مہلوک کا ساتھی بھی اس حادثے میں شدید زخمی ہو گیا. ریلز کے لائکس اور کمنٹس کے لیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات عام ہو گئے ہیں. ایک ایسا ہی ایک واقعہ ضلع رنگاریڈی کے حیات نگر میں پیش آیا. کے ٹی ایم بائک پر سوار دو نوجوان پیدا امبر پیٹ میں نیشنل ہائی وے پر بارش میں ریل کے لیے اسٹنٹ کرتے وقت دو نوجوان
की बाइक बेखाब हो गई। पिछली सीट पर बैठे शिवा नामी नौजवान की शदीद चोटों से मौत हो गई। गाड़ी चलाने वाला नौजवान भी शदीद ज़ख्मी हो गया। इस वाक़े से मुतासलीन के अहल खाना में गम की लहर दौड़ी देखी गई। बेटे की मौत से ज़ारो ख़तार होने वाली माँ की चीखों पुकार सुनकर वहाँ मौजूद हर किसी की आँख भर आई थी। महकमे सिविल सप्लाईज़ के अफसरान ने ज़िले रंगरेड्डी के नंदीगामा में बायोडीज़ल के गैर क़ानूनी पैदावार का इंकशाफ किया है। मुतालिका अहदेदारों ने नंदीगामा नेशनल हाईवे बाईपास पर वाक़े एक गोदाम में छापा मारते हुए गैर क़ानूनी तौर पर तैयार किया जाने वाले बायोडीज़ल का इंकशाफ किया है। गैर क़ानूनी तौर पर तैयार करदा इस बायोडीज़ल को मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशनों और आस पास की भी बड़ी सनअतों में मुंतकिल किया जा रहा था। अहदेदारों ने गोदाम को सीज करते हुए 12,000 लीटर बायोडीज़ल टैंकर्स को पुलिस स्टेशन के अहातों में मुंतकिल कर दिया है। हकाम ने इंतबाह दिया है कि पेट्रोल पंप से हासिल करदा डीजल को जांच के लिए लैब मुंतकिल किया जाएगा और मिलावट की सूरत में मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू मंगलागिरी के दौरे पर हैं। चंद्रबाबू नायडू गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शिरकत के लिए सीके कन्वेंशन पहुँचे। मुकामी अहदेदारों ने वज़ीर आला का खैर मकदम किया। लोडेड राइफल से इत्तेफाकन गोली चलने से CIF का कांस्टेबल हलाक हो गया। पुलिस ने कहा है कि रियासत आंध्र प्रदेश के नंदियाल का 34 साला वेंकटेश संगारेड्डी के BDL में बस में से उतर रहा था और राइफल इसके पास थी। उतरने के दौरान इत्तेफाकी तौर पर बंदूक से गोली चल गई और ये गोली उसके सर में लगी, जिसकी नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गया। वो CIF में गुज़िश्ता 13 साल से खिदमात अंजाम दे रहा था। BDL पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। बोनाल त्यौहार का रिवायती तौर पर आगाज, वज़ीर आला और रियासती वज़रा की खुसूसी पूजा में शिरकत। तेलंगाना के अजला और दोनों शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मंजली सियरा की ने असम्बली मुतालिका हलकों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। BJP कायदीन के नफरत व तासुब पर मुबनी मुसलसिल बयानात की यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने की मजम्मत। मूसा नदी की खूबसूरती के लिए मख्तस बजट में गैर मामूली इजाफे पर KTR ने खड़े किए सवाल। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं ख़त्म पज़ीर होती हैं। रियासती कौमी और बैन अक्वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।